नमस्कार, सवाना दूरदर्शन बुलेटिन साथे हूं छु हेमानगिरी। समाचारनी शुरुआतमां एक नजर हेडलाइन्स पर। भावनगर जिल्लानो वल्लभीपुर तालुको बन्यो देशनो प्रथम डिजिटल तालुको। लोकोना आधार कार्ड अने बैंक खाता साथे लिंकअप कराईने तालुकानी तमाम रेशनिंग दुकानोमां आधार कार्डथी थई रह्युं छे सीधुं ज पेमेंट। लंडन में विजय माल्या की धरपकड़ बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्यू ट्वीट। जमने गरीबों और मध्यम वर्ग ने लूंटिया है तमने परत करवाना रहे नाणा। सरकारे माल्या सामे की कार्यवाही ने गणाव्यू काला धन सामे दृढ़ संकल्प परिणाम। भाजपना टोचना नेता लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आज महत्व दिवस। अयोध्या विवादित माळखुं तोड़ी पाड़वा गुनाहित कावतरा अंगे तेमनी सामे कार्यवाही करवा संबंधे सुप्रीम कोर्ट लेशे निर्णय। अने आगामी चोमासानी पूर्व आगाही करतो भारतीय हवामान विभाग। आ वर्षे चोमासु सामान्य रहेवानुं जणावता महानिदेशक। खेडूतो माटे सामान्य तो सारो वरसाद थवानी संभावना, परंतु हाल तो गुजरात में गरम पवन फूंकाता लोको बन्या छे आकुळ व्याकुळ। समाचार विस्तारथी जोईए। बैंक पासेथी लीधेला रूपया 9,000 करोड़ लोन चुकव्या वगर देश छोड़ीने चाल्या गयेला विजय माल्यानी ब्रिटननी पोलीस स्कॉटलैंड यार्डे गईकाले लंडनथी धरपकड़ करी हती। तेना प्रत्यार्पण माटे भारतना अनुरोध पर आ धरपकड़ कराई हती। जो कि बादमां अदालते माल्याने जामीन आप्या हता। अगाउ फेब्रुआरीमां भारत सरकारे ब्रिटिश हाई कमिश्नरने माल्याना प्रत्यार्पण माटे अनुरोध कर्यो हतो। तेमां कहेवायुं हतुं के माल्या सामे नाणाकीय गोटाळा करवा अने बैंकनी लोन नहीं चुकवानो आरोप छे। सरकारे कह्युं के भागेडु वेपारी विजय माल्याने भारत परत लवाशे अने कानूनी प्रक्रियानो अमल कराशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए एक ट्वीट में भ्रष्टाचार पर प्रहार करता जणाव्युं छे के निसंदेह भारत में भ्रष्टाचार ने कोई जगह नहीं। तेमणे कह्युं के जेमणे गरीब अने मध्यम वर्गना लोकोने लूंट्या छे तेमणे ते तमाम नाणा परत करवाना रहेशे। एक महत्वपूर्ण राजकीय घटनाक्रम में तमिलनाडुनी सत्ताधारी पार्टी अन्नाद्रमुकना बन्ने जूथ एक थई गया छे। बन्ने जूथे एक बैठक में एक मत थईने पक्षना महामंत्री वी शशिकला अने तेना भत्रीजा टीटीवी दिनाकरण ने पक्ष में बहार काढ़वानो निर्णय कर्यो छे। आ बैठक में पक्षना 122 धारासभ्य हाजर हता। आ बैठक में निर्णय कर्यो के पार्टीनुं कामकाज जोवा माटे एक समिति की रचना करवामां आवशे। आ समिति पक्षना तमाम मोटा निर्णय लेशे। तमिलनाडु सरकार में मंत्री डी जयकुमारे कह्युं के पक्षे एक मत थईने निर्णय कर्यो छे के शशिकला अने तेना परिवारना कोईपण सभ्यने पक्ष में रखाशे नहीं। आ अगाउ अन्नाद्रमुकना विरोध दलना नेताओ पनीरसेल्वमे कह्युं हतुं के तेमनो ते सिद्धांत छे के पक्ष के सरकार कोई एक परिवारना हाथों में नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण केस की सुनावणी हाथ धराशे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवादास्पद माळखा ने तोड़ी पाड़वाना मामले भाजपना टोचना नेता लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याणसिंह सहित 13 लोगों सामे गुनाहित कावतरा रूपे केस चालू राखवा अंगे सुप्रीम कोर्टे निर्णय करशे। जारे रायबरेली अने लखनऊ में चाली रहेला बन्ने केस एक साथ लखनऊनी अदालत में चलावामां के नहीं तेनो पण कोर्ट निर्णय लेशे। गई 6 एप्रिले चुकादो अनामत राखता सुप्रीम कोर्टे जणाव्युं हतुं के 23 वर्ष जूना आ केसने बरेलीथी लखनऊ ट्रांसफर करी शकाय छे। भावनगर जिल्लानो वल्लभीपुर तालुको देशनो प्रथम डिजिटल तालुको बन्यो छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीना डिजिटल इंडिया अभियान ने सफल बनावा माटे जिल्ला वहीवटी तंत्र द्वारा वल्लभीपुर तालुकाना 53 गामों में सर्वे हाथ धरायो हतो। सौ प्रथम तो 100% आधार कार्डनी कामगीरी कराई हती। तालुकाना 16,800 जेटला परिवारोना घरे जईने तेमने डिजिटल पेमेंट माटे तैयार करवामां आव्या हता। तालुकानी रेशनिंगनी तमाम दुकानोने लोकोना आधार कार्ड अने बैंक खाता साथे लिंकअप कराई हती। लोको रेशननो जत्थो लेवा जाय त्यारे मात्र आधार कार्ड नंबर आपीने पीओएस मशीन पर अंगूठो दबावे के तरत ज तेमना बैंक खातामांथी सीधू ज पेमेंट थई जाय छे। रोकड़ रकम न होवाथी अमे गमे त्यां अमारे माल सामाननो जे काई जत्थो होय रेशन से अथवा कोई पण बीजी तीजी वस्तु से ए अमे सरळताथी आ डिजिटलना माध्यमथी अमे सरस मजानो आवो व्यवहार अमारो अत्यारे हालमां शुरू छे अने आ वस्तु जे काई थई ए अमने बधाने सरस मजानो लाभ करी दीधो छे। ओ आधार कार्ड के ले आधार कार्ड लेकर आता है और उसका फिंगरप्रिंट जो लगाते हैं तो उसका जो अकाउंट है इसमें से जो रकम से कम होकर हमारा अकाउंट में आ जाती है
और जो भी बिल की प्राइस होती है वो प्राइस हमें मिल जाती है और हमारे ये रोकड़ व्यवहार करने की कोई आवश्यकता रहती ही नहीं थी, क्योंकि काम में बहुत अच्छी सुविधा मिलती है और इसके लिए हम बहुत मोदी साहब के आभारी है। गांव के सभी रेशन शॉप को लोगों के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक अप कर दिया है। हमें गर्व है कि हमारा तालुका, हमारा तहसील देश का पहला डिजिटल तहसील बना। भारतीय हवामान विभाग महानिदेशक केजे रमेशे नैऋत्यना चौमासा विषय नवी दिल्ली में गईकाले प्रथम पूर्व आगाही जाहरात करी हती। आ वर्षे चौमासु सामान्य रहेवानी आगाही छे। जूना ने नवा मॉडल्स नो उपयोग करीने आ वर्ष माटे नैऋत्यना चौमासा अंगे प्रथम आगाही करवामां आवी हती। जून महीनाना प्रथम सप्ताहमां हवामान विभाग हवे पछीनी बीजी पूर्व आगाही जाहेर करशे। खेडूतो माटे सारा समाचार छे कि आ वर्षे सामान्यवत सारो वरसाद थवानी संभावना छे। देशमां जूनथी मांडीने सप्टेम्बर सुधीमां थतो वरसाद खूब महत्वनो छे। 2017 मानसून वर्षा का आईएमडी का आकलन जो है सामान्य होने का संभावना है एंड उसके अनुसार इस बार जो है हमने स्टैटिस्टिकल एंसेंबल फोरकास्ट सिस्टम जो अभी तक आईएमडी ने यूज करता आया है उसके साथ साथ मानसून मिशन के अंदर जो क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम कपल्ड मॉडल का जो डेवलपमेंट हुआ है लास्ट 4-5 इयर्स में उसका भी हमने जैसे हमने पहले बताया है उसको भी हमने ऑपरेशनल यूटिलाइजेशन के लिए इंप्लीमेंट किया इस बार। उसका जो परिणाम जो फर्स्ट स्टेज असेसमेंट का निकला है वो एकदम बराबर का निकला है, वो 96% का प्लस माइनस 5% जो है मॉडल एरर के साथ अभी अनुमान लगाया गया है। अमदावादमां आकाशमां ताजेतरमां नरी आंखे जोई शकाय ते रीते स्पेस शटल जोवा मळ्युं हतुं। अमदावादना साइंस सिटीमां बाळको, वालीओ तथा शिक्षको आ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जोवा उमट्या हता। वीजळीना गोळा जेवुं अने विश्वनुं सौथी मोटुं स्पेस क्राफ्ट 4 मिनिट सुधी अमदावादना आकाशमांथी नोर्थ ईस्टथी साउथ ईस्ट तरफ पसार थता आ शटलनो नजारो अद्भुत हतो। 1000થી વધુ લોકોએ આ સ્પેસ ક્રાફ્ટને નજીકથી નિહાળ્યું હતું। 1998માં અમેરિકા, એશિયા, યુરોપિયન સ્પેસ એજન્સી, જાપાન સહિતના 16 જેટલા દેશો દ્વારા સંયુક્ત રીતે આ સ્પેસ સ્ટેશન ઇમર્જ કરવામાં આવ્યું હતું। ધરતી પરથી જે બારીક વસ્તુઓ નથી દેખાતી તે પણ આ સ્પેસ સ્ટેશનમાં કેદ કરવામાં આવે છે। વળી કેન્સર જેવી જીવલેણ બીમારી સામે લડવા માટે તથા ક્રશ થતા હાડકાંઓને મજબૂત બનાવવા માટેની એક્ટિવિટી થઈ રહી છે। હજુ આવતીકાલે સાંજે 7:12 આ જ સ્પેસ સ્ટેશન અમદાવાદના આકાશ પરથી 4-5 મિનિટ સુધી પસાર થશે। हमारा एक सबसे बड़ा ह्यूमन बींग के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे हमारा सुनीता विलियम वहाँ पे 6 महीना रख करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हमारा गुजरात में इंडिया का सारा बच्चे इसमें और इंस्पायर्ड होंगे, इस तरीके से स्पेस एस्ट्रोनॉट बनेंगे एंड स्पेस लैब में काम करके इनके कंट्रीब्यूशन में हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देंगे। गरीब अने मध्यम वर्गना लोकोने रोजगार आपवाना उद्देश्य साथे केन्द्र सरकार द्वारा ई रिक्षानो वितरण करवामां आवे छे। ओछा व्याजदर अने मुद्रा लोन सुविधा पण आपवामां आवे छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीना न्यू इंडिया मिशन हेठळ कच्छना बेरोजगारोने सांसद विनोद चावड़ाना हस्ते 20 वधारे लाभार्थीओने ई रिक्षानो वितरण करवामां आव्युं हतुं। उल्लेखनीय छे कि ई रिक्षा साथे केन्द्र सरकारनी विविध योजनाओने जोड़वामां आवी छे, एटले ई रिक्षा चालक तथा तेमां मुसाफरी करनारने केन्द्र सरकारनी वीमा सुरक्षा जीवी योजना नो सीधो लाभ मळशे। વડાપ્રધાન વીમા સુરક્ષા યોજના હોય એવી યોજનાઓનો લાભ સીધે સીધો આની અંદર સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે। પણ વિશેષતા એ છે કે એક આજે પર્યાવરણની જાળવણી, પ્રદૂષણ મુક્ત અને એક સાવ एक सस्ता दरे मुसाफरो पण आनी अंदर मुसाफरी करी शकशे, एक नानी नाली गलीओनी अंदर शहेरीओनी अंदर पण लोको सरळताथी जई शकशे एवुं आयोजन आ ई रिक्षाना माध्यमथी आवनार समयनी अंदर लोको समक्ष मूकवामां आवशे।
राजकोट पोलिस अने जीवनदान फाउंडेशन सहयोग थी हार्ट ट्रांसप्लांट माटेनी एक मॉक ड्रिल नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ मॉक ड्रिल वॉकहार्ट हॉस्पिटल थी एरपोर्ट सुधी योजाई हती, जे 5 मिनिट 37 सेकंड में पूरी थई हती। जयारे स्टर्लिंग हॉस्पिटल थी एरपोर्ट सुधी योजायेली मॉक ड्रिल 5 मिनिट 22 सेकंड में पूरी थई हती। हार्ट ट्रांसप्लांट एक खूब संवेदनशील सर्जरी छे अने एमां एक एक सेकंडनी गणतरी में व्यक्तिना जीवन अने मरणनो फैसलो थतो होय छे। राजकोट थी कोईपण व्यक्तिना हार्ट ट्रांसप्लांट माटे हार्ट ने अन्य शहर में लई जवा माटे ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था करवामां आवी छे। आयोजन कर रिहर्सल करवामां आवेलुं हतुं, तो एमां कया कया पॉइंटो पर आपणे वधारे सावचेती राखवानी जरूर छे, के ज्यां वधारे क्राउड गेधरिंग थतुं होय, जंक्शन पॉइंट होय, तो एवी जग्याए पण आपणे एमां उत्तरोत्तर सुधारो थाय एना माटेना प्रयत्नो हाथ धरीशुं। प्लस जे जग्याए राजकोट म्युनिसिपल कोर्पोरेशन की सहायता की जरूर पड़े रोड रस्ता बाबते, त्या ए लोकोनी साथे पण संकलन में रही अने आ कामगिरी खूब सारी रीते थाय एना माटेना आपणा आ एक सारा उमदा प्रयत्नो छे। फळોમાં રાજા ગણાતો કેરીની સીઝન શરૂ થઈ છે ત્યારે વેપારીઓ કાર્બાઇડયુક્ત કેરીનું વેચાણ કરી રહ્યા છે તેવી માહિતીના આધારે ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય ટીમે દરોડા પાડીને અંદાજે 2500 કિલો કેરીનો જથ્થો નાશ કરવાની કાર્યવાહી કરી હતી। કાર્બાઇડથી પકાવવામાં આવતી કેરી સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે ત્યારે આરોગ્ય ટીમે શહેરના જશોનાથ સર્કલ વિસ્તાર, પાનવાડી વિસ્તાર, નિર્મળનગર વિસ્તારમાં આવેલા કેરીના ગોડાઉનની તપાસ શરૂ કરી હતી અને અંદાજે 2500 કિલો કાર્બાઇડયુક્ત કેરીનો જથ્થો ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। ભાવનગરમાં 3 જગ્યા કેરી ગોડાઉનો ચેક કરી, એક પહેલા તો પીલ ગાર્ડન પાસે કર્યા, બ્લુ હિલ પાસે, એમાં કોઈ કાર્બાઇડ મળેલ નથી, ને બીજું આપણા પાનવાડી ચોક પાસે એક ગોડાઉનના તપાસ કર્યા, એમાં કાર્બાઇડથી કેરી પકાવતા મળ્યા, જ્યાં અમે લગભગ 1000 થી 1500 કિલો કેરીઓ જપ્ત કરી છે। અને ત્યારે નિર્મળનગરમાં અમે આવ્યા અને અહીંયા એક ગોડાઉન ચેક કર્યા છે, અહીંયા પણ કેરવાઇડથી કેરીઓ પકાવતા મળ્યા છે, એ તમામ જથ્થો અમે જપ્ત કરશું। ગઈકાલે ચૈત્રવદ સાતમ નિમિત્તે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઠંડુ ખાઈને શીતળા માતાના પૂજા અર્ચન કરવામાં આવી હતી। ધાંગધ્રા સ્ટેટના સમયે બંધાયેલા 200 વર્ષ જૂના શીતળા માતાના મંદિરે લોકો દર્શન કરવા શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા। શ્રાવણવદ સાતમ અને ચૈત્રવદ સાતમ એમ બંને દિવસે અહીં શ્રદ્ધાળુઓ નિરોગી જીવન અને લાંબા આયુષ્યની કામના કરવા ઉમટી પડે છે। મંદિરમાં માતાજીને ફૂલ, શ્રીફળ, ચુંદડી, શૃંગાર સામગ્રીની ભેટ ચઢાવીને શ્રદ્ધાળુઓ બાધા પૂરી કરી રહ્યા હતા। શીતળા સાતમ પ્રસંગે મંદિરમાં વિશેષ હવન થયો હતો। મંદિરમાં દિવસભર જાણે કે મેળા જેવું વાતાવરણ હતું। અહીંના રાજા અજીતસિંહ બાવાએ માતાજીની સ્થાપના કરેલી, ચૈત્રવદ સાતમને નવચંડી હવન થાય છે અને આ બે સાતમે હજારો ભાવિક ભક્તો દર્શને આવે છે, ઘણા નેત્ર ચડાવે છે અને ઘણા આડોતા પણ આવે છે। એનું કારણ એક જ કે તેમના બાળકોને માતાજી સુખ શાંતિ આપે, રોગ દોષ આદિ વ્યાધિમાંથી મુક્ત કરે। લોકો અહીંયા બહુ જ આવે છે દર્શન કરવા, માનતા પૂરી કરવા, બધાની માનતા પૂરી થાય છે, લાખો હજારો લોકો અહીંયા આગળ ઉમટી પડે છે। અહીંયા ખાસ કરીને બાળકોને જે મનથી માનેલ બાધાઓ પૂર્ણ થાય છે, માતા શીતળા માતા બધાની આશા પૂરી કરે છે। જૂનાગઢ ખાતે નાદ વૈભવ કાર્યક્રમનું સફળ આયોજન થઈ ગયું। પ્રણવ પારિજાત ટ્રસ્ટ અને મહાગુજરાત ગાંધર્વ સંગીત સમિત દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં શ્રોતાઓ ઝૂમી ઉઠ્યા હતા। શાસ્ત્રીય સંગીતની જાણીતી પ્રતિભાઓએ કાર્યક્રમમાં સંગીત પીરસ્યું હતું। આ સાથે જ આ બુલેટિન અહીં સમાપ્ત થાય છે। નમસ્કાર।